हेलो नमस्ते वणकम होला मरहबाला सतर अकाल की हाल चाल गाइज दिस इज शुभम गुप्ता लाइव विद यू ऑन द प्लेटफॉर्म तो कैसे हैं आप लोग तो फर्स्ट ऑफ ऑल यार आई रियली होप दैट ऑल ऑफ यू गाइज आर डूइंग ग्रेट एंड यू आर हैविंग एन अमेजिंग टाइम एट योर प्लेसेज आई रियली विश यू पीपल एंड योर फैमिली मेम्बर्स द पिंक ऑफ योर हेल्थ तो आज के सेशन में जी जैसा कि आप लोग जानते हैं और आप लोग देख सकते हैं ऑन योर स्क्रीन विद दी हेल्प ऑफ दिसरीज थोड़ा सा तेज दौड़ने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं और इन एवरी लेक्चर वी आर ट्राइंग टू रिवाइज समी इंपॉर्टेंट कंसेप्टी चैप्टर क्योंकि हमारे पास समय थोड़ा सा कम है और कंटेंट काफी ज्यादा है रिवाइज करने के लिए आज के इस सेशन में भी हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं वी आर गोइंग टू रिवाइज एन एंटायर चैप्टर इन अगल गो इन वन शॉर्ट चैप्टर का नाम है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ वन ऑफ़ द सिंपलेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर्स। तो इनिशियली इस चैप्टर में टू जस्ट गिव यू अ क्विक ओवरव्यू। हम लोग शुरुआत करेंगे टॉकिंग अबाउट सम फैक्ट्स एंड फिगर्स सम डेटाज क्योंकि इस चैप्टर में है काफी सारा डेटा और एग्जाम के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है सब्सटैशियशन के लिए अपने आंसवर्स को एनरिच करने के लिए फैक्ट्स एंड फिगर्स मैंशन करना और पता होना बहुत जरूरी है तो इनिशियली वील स्टार्ट टॉकिंग अबाउट सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स रिगार्डिंग द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री उसके बाद हम लोग समझने की कोशिश करेंगे द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ह्यूज डाइवर्सिटी हमारे देश में वेजिटेशन कवर के पॉइंट ऑफ व्यू से वाइल्ड लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी ज़्यादा डाइवर्सिटी है उसके पीछे क्या फैक्टर्स हैं वो हम समझेंगे इसके बाद हम लोग बात करेंगे अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन जहाँ पर हम अलग अलग तरह के फॉरेस्ट को समझने की कोशिश करेंगे फिर चाहे वो एवरग्रीन फॉरेस्ट हो एसीडियस फॉरेस्ट हो थॉर्नी फॉरेस्ट हो माउंटेन फॉरेस्ट हो या मैंग्रोव्स हो और उसके बाद हम लोग बात करेंगे अबाउट वाइल्ड लाइफ प्रेजेंट इन द कंट्री हम लोग बात करेंगे अबाउट इट्स कंजर्वेशन एज़ वेल सरकार ऐसे क्या क्या काम कर रही है जिससे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन हो सकता है फिर चाहे वो बायोस्फीयर रिजर्व्स हो नेशनल पार्क्स हो जुलॉजिकल गार्डन्स हो बॉटनिकल गार्डन्स हो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बर्ड सेंचुरीज इन सब के बारे में भी हम लोग बात करेंगे इन द सेम सेशन चलिए जी आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं विदाउट अबाउट दिस चैप्टर देखिए सबसे पहले तो वेन वी टॉक अबाउट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया तो हमारे पास यहां पर कुछ डेटाज हैं जैसे कि इंडिया एज वन ऑफ द ट्व मेगा बायोडाइवर्सिटीज इन द वर्ल्ड दुनिया के जो बारह मेगा बायोडाइवर्सिटीज हैं इंडिया इज वन ऑफ देम. इंडिया, इट्स वन ऑफ़ देम. अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो वी हैव फोर्टी सेवन थाउजेंड डिफरेंट प्लांट स्पीसीज एंड दिस नंबर वी स्टैंड एट फोर्थ पोजिशन इन एशिया एंड टेंथ इन द वर्ल्ड When we talk about flowering plants, Pandra Hazar, 15,000 species for flowering plants, which is actually 6% of the entire world. We have 90,000 species of animals, 1200 different species of birds, which is 13% of the entire world, 2500 species of fishes, which is again 12% of the world, and 5 to 6% different species of एम्फीबियंस रेप्टाइल्स एंड मैमल्स अब ये नंबर्स देखकर कर रियलाइज होता है कि ये नंबर्स छोटे मोटे नंबर्स नहीं है हम उन देशों में से हैं जिन्हें मेगा बायोडाइवर्सिटीज कहा जाता है यार ये छोटे नंबर नहीं है पैंतालीस हज़ार तरह के पौधे नब्बे हजार स्पीसीस जानवरों की ये छोटी ये छोटे नंबर्स नहीं है डीज आर क्वाइट लार्ज नंबर्स और यही नंबर्स आपको बताते हैं कि क्यों और कैसे हम लोग इतने डाइवर्स कहे जाते हैं आई 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 विल से वॉट आई ऑलवेज लव टू सेट फ्रॉम हिमालयाज टू इंडियन ओशन फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी फ्रॉम अटक टू कटक फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश एंड फ्रॉम रन ऑफ कच टू गारो खासी जयंतिया वी आर वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स ज्योग्राफिकल एंटिटीज इन द वर्ल्ड और उसका प्रूफ आपके सामने है लेकिन सबसे पहले जब हम इस चैप्टर के नाम की बात करते हैं नैचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ तो ये समझना जरूरी है कि नेचुरल वेजिटेशन का क्या मतलब है वट इज मीन्ड बाय द टर्म नेचुरल वेजिटेशन देखो वेजिटेशन का मतलब समझ में आता है ग्रीन कवर वेजिटेशन मतलब समझ में आता है ग्रीन कवर लेकिन नेचुरल वेजिटेशन क्यों देखो एक्चुअली में जब हम कहते हैं नेचुरल वेजिटेशन तो हम उस ग्रीन कवर की बात कर रहे हैं जो नेचुरली उगा है विच बीन ग्रोन नेचुरली विदाउट एनी ह्यूमन एड विदाउट एनी ह्यूमन एड विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस है ना इट हैज बीन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड बाई द ह्यूमन्स हैज बिन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड बाय द ह्यूमन्स समझ रहे हो डैट इज वाई इसे कहा जाता है नेचुरल वेजिटेशन आसान भाषा में बात करूं तो जंगलों की बात हो रही है जंगलों को कहते हैं नेचुरल वेजिटेशन फॉरेस्ट कवर को कहते हैं अब आपने कभी सुना है कि किसी ने जंगलों को उगाया हो या कोई कह रहा हो कि जंगल में पानी देने जा रहे हैं जंगल की सिंचाई करने जा रहे हैं जंगल में ट्यूबवेल लगाया है नहीं ना ये कवर है फॉरेस्ट आर नेचुरल वेजिटेशन या फिर एक और नाम है इसके लिए या तो आप इसे कहेंगे नेचुरल वेजिटेशन या फिर इट इज ऑल्सो नोन एज वर्जिन वेजिटेशन वर्जिन वेजिटेशन वर्जिन ठीक है ना इट इज़ ग्रोन नेचुरली विदाउट एनी ह्यूमन एड विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस ठीक है ना इसीलिए जब आप एग्रीकल्चर की बात करते हैं वो एक अलग पार्ट है वो नेचुरल वेजिटेशन में नहीं आएगा जब आप क्रॉप्स की बात करते हैं फ्रूट ऑर्किड्स की बात करते हैं वेजिटेबल्स की बात करते हैं या जिसको हॉर्टिकल्चर कहा जाता है इस तरह की जो चीज़ें हैं ये नेचुरल वेजिटेशन का पार्ट नहीं है ठीक है ये बात ध्यान रखिएगा जब आप कल्टीवेशन की बात करते हैं है ना क्रॉप्स फ्रूट्स वेजिटेबल्स ये सब ध्यान रखिएगा इसे आप नेचुरल वेजिटेशन में काउंट नहीं करेंगे नॉट ये बहुत important. तो जब भी हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं तो आम भाषा में मैं कह सकता हूं कि वी आर रेफरिंग टू वी आर टॉकिंग अबाउट फॉरेस्ट ओके तो ये कुछ आंकड़े हैं ये कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं कुछ डेटा है जो आपको बता रहा है कि इंडिया कितना डाइवर्स है इन टर्म्स ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना हाँ जब हम फ्लोरा एंड फोना की बात करते हैं तो ये टर्म्स भी पता होने चाहिए कि फ्लोरा का क्या मतलब है फोना का क्या मतलब है ये दोनों टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं आसान भी हैं देखो फ्लोरा का क्या मतलब है फ्लोरा सिंपली मीन्स जब आप किसी पर्टिकुलर रीजन के प्लांट्स की बात कर रहे हैं एट अ गिवन जो एनिमल्स हैं ये फोना का पार्ट है तो जब हम कहते हैं फ्लोरा आई एम टॉकिंग अबाउट प्लांट किंगडम जब हम कहते हैं फोना आई एम टॉकिंग अबाउट एनिमल किंगडम तो ये ध्यान रखिएगा ये प्लांट किंगडम है और ये एनिमल किंगडम है ठीक है ना दोनों ही टर्म्स बहुत सिंपल है लेकिन इंपॉर्टेंट है एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है कि फ्लोरा क्या था फोना क्या था फ्लोरा फ्लोरा फ्लोरल है ना जब भी हम फ्लोरल कहते हैं तो दिमाग में फूल पत्तियां आ जाती है ना तो पौधे की बात कर रहे हैं फ्लोरा और फोना एनिमल्स ठीक है ये ध्यान रखिएगा तो ये दोनों टर्म्स इंपॉर्टेंट है लेट्स टॉक अबाउट those फैक्टर्स विच आर responsible फॉर दिस diversity ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इतने अलग अलग तरह के पेड़ पौधे जंगल जानवर पक्षी सब इतने डाइवर्स हैं तो क्या वो फैक्टर्स हैं जो इनकी डाइवर्सिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है देखो दो तरह के फैक्टर्स हैं दो तरह के फैक्टर्स हैं एक तो रिलीफ फैक्टर्स और दूसरे हैं क्लाइमेटिक फैक्टर्स रिलीफ के अंदर हम बात करते हैं तो हमारे सामने ज़मीन है लैंड है या वहां की टेरेन है जमीनी सतह है और दूसरा है वहां की मिट्टी मृदा सॉइल वेन एवर वी टॉक अबाउट रिलीफ तो यहां पर ध्यान रखिएगा एक तो टेरेन आता है उस जमीन की टोपोग्राफी पहाड़ है प्लेन्स है प्लेटो है किस तरह का एरिया है? और दूसरा वहां पर मिट्टी कैसी है बंजर जमीन है बहुत फर्टाइल और बहुत ही रिच सॉइल कवर है किस तरह की मिट्टी है ये दोनों फैक्टर्स अगर आप पहाड़ की तरफ जाएंगे देखिए लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है एक एक करके समझते हैं इनको वेन वी टॉक अबाउट लैंड जब आप ज़मीनी सतह की बात करते हैं आप पहाड़ों पे जाएंगे तो आपको अलग तरह का वेजिटेशन कवर मिलेगा अलग तरह के पेड़ पौधे मिलेंगे अलग तरह के जानवर मिलेंगे प्लेन्स में आ जाएंगे तो वहां पर सीन बिल्कुल बदल जाएगा वहां की वेजिटेशन कवर वहां का वाइल्ड लाइफ बहुत अलग होगा एज़ कंपेयर टू माउंटेन्स तो लैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किस तरह के टेरेन की बात कर रहे हैं क्या आप माउंटेन्स की बात कर रहे हैं आर वी टॉकिंग अबाउट माउंटेन्स क्या आप प्लेटोज की बात कर रहे हैं या आप प्लेन्स की बात कर रहे हैं या आप डेजर्ट कवर की बात कर रहे हैं आप किस तरह की लैंड की बात कर रहे हैं इन सभी जगहों पर वेजिटेशन कवर इन सभी जगहों पर वाइल्ड लाइफ बहुत अलग होगा सिमिलरली जब मैं सॉइल की बात करता हूं व्हेन आई टॉक अबाउट ये तो आप एलुवियल सॉइल की बात कर रहे हैं विच इज़ वेरी फर्टाइल तो बहुत फर्टाइल है या आप सैंडी सॉइल की बात कर रहे हैं जो बंजर है ये फर्टाइल नहीं है या आप ब्लैक सॉइल की बात कर रहे हैं भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो जब हम रिलीफ फीचर्स की बात करते हैं तो ये दोनों ही तरह के फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है चाहे वो लैंड हो जगह की टेरेन हो जमीनी सतह हो या मिट्टी हो किस तरह की मिट्टी है? एलूविल सॉइल है ब्लैक सॉइल है रेड एंड येलो सॉइल है डिटेराइट सॉइल है सैंडी सॉइल है है, किस तरह की मिट्टी है भी बहुत इंपॉर्टेंट है देखिए किसी भी जगह का जब वेजिटेशन कवर चेंज होगा तो जानवर अपने आप बदलेंगे समझ तो रहे हो ना जैसे जैसे वेजिटेशन कवर चेंज होगा क्योंकि जानवर के लिए जंगल उसका हैबिटेट है उसका घर है उसको एक पर्टिकुलर तरह का वेजिटेशन कवर चाहिए हर जानवर को अब आप चाहें कि जो थॉर्नी फॉरेस्ट हैं जो डेजर्ट एरियाज़ में वहां पर टाइगर हो वो पॉसिबल नहीं है वो आपको मैंग्रोव्स में मिलेगा ठीक है ना दूसरी तरफ वी हैव क्लाइमेटिक फैक्टर्स क्लाइमेटिक फैक्टर्स के अंदर आते हैं टेम्परेचर जैसे जैसे तापमान में बदलाव आएगा टेम्परेचर में बदलाव आएगा और टेम्परेचर बढ़ेगा गर्मी बढ़ेगी तो अलग तरह के जानवर होंगे वहां पर आपको वाइल्ड एस मिलेगा वहां पर आपको कैमल्स मिलेंगे टेम्परेचर कम होगा ठंड की तरफ जाएंगे वहां अलग तरह के जानवर होंगे वहां पर आपको माउंटेन गोट आई पोलर बैर इस तरह के जानवर मिलेंगे तो टेम्परेचर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टेम्परेचर किसी भी जगह का टेम्परेचर वहां का तापमान कैसा है बहुत गर्मी है बहुत ठंड है मॉडरेट है तो उसके अकॉर्डिंग वहां पर वेजिटेशन कवर उसके अकॉर्डिंग वहां पे जानवर वाइल्ड लाइफ ये वेरी करेगा सिमिलरली फोटो पीरियड अब देखो ये फोटो पीरियड क्या है फोटो का मतलब होता है लाइट ये इंसोलेशन की बात कर रहा है कि कितने टाइम पीरियड के लिए सोलर रेडिएशन अवेलेबल है इन शॉर्ट ये इंसोलेशन की बात करता है फोटो पीरियड पीरियड का मतलब होता है टाइम पीरियड सिंपली मीन्स टाइम तो कितने समय के लिए सनलाइट वहां पे अवेलेबल है फोटो पीरियड है ना ये इंसोलेशन की बात कर रहा है इनकमिंग सोलर रेडिएशंस है ना तो ये ध्यान रखिएगा फोटो मीन्स लाइट तो ये सनलाइट की बात कर रहा है लाइट कौन सी सनलाइट ट्यूबलाइट नहीं और ये है टाइम है ना और यह है प्रेसिपिटेशन प्रेसिपिटेशन के अंदर आपकी रेनफॉल या स्नोफॉल या हेल स्टॉम ओले गिरना हेल स्टॉम ये सब इसी में आता है रेनफॉल कितनी है बहुत अच्छी रेनफॉल है दो ढाई सौ तीन सौ सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल तो आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे सौ डेढ़ सौ दो सौ तक अगर रेनफॉल है तो आपको डेसीडुअस फॉरेस्ट मिलेंगे चालीस पचास सेंटीमीटर है तो आपको थॉर्नी या डेजर्ट फॉरेस्ट मिलेंगे कितनी रेनफॉल है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ये सभी फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू तो एनालाइज कि हमारे पास इतनी डाइवर्सिटी देखिए इस टर्म में कंफ्यूज नहीं होना बेटा फोटो पीरियड फोटो मींस लाइट और यहाँ पर सनलाइट की बात हो रही है और पीरियड मतलब टाइम तो कितने समय के लिए सनलाइट अवेलेबल है देखो पौधे सबसे ज्यादा ग्रो करेंगे जब फोटो पीरियड ज्यादा होगा कितने ज्यादा समय के लिए प्लांट्स आर एक्सपोज टू सनलाइट हाँ ग्रोथ अच्छी होगी इसीलिए इक्वेटोरियल रीजनस अगर आप इक्वेटर के नजदीक जाएंगे अगर मैं इक्वेटोरियल रीजन की बात करता हूं इक्वेटर तो के नजदीक क्या होता है इक्वेटर के नजदीक क्या है ये फोटो पीरियड ज्यादा है. है ये जो फोटो है, ये ज्यादा है हाई। यहां पर आपको जंगल घने मिलेंगे अच्छे घने जंगल मिलेंगे क्योंकि यहां पर पेड़ पौधों की ग्रोथ बहुत ज्यादा है लेकिन अगर आप पोल्स पे जाएंगे तो यही जो फोटो पीरियड है पोल्स पर ये फोटो पीरियड बहुत कम हो जाता है बहुत कम समय के लिए सनलाइट वहां पर अवेलेबल है तो यहाँ पोल्स पे आपको ज्यादा वेजिटेशन कवर नहीं मिलेगा ये बाकी कारण भी है बट ये भी एक रीजन है ठीक है ना तो ये सनलाइट की बात हो रही है सनलाइट लाइट का मतलब सनलाइट ठीक है सो ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स कि किस तरह से इन फैक्टर्स में बदलाव करने से किसी भी जगह का वेजिटेशन कवर और एसोसिएटेड वाइल्ड लाइफ में बदलाव आता है आपको एक डाइवर्सिटी आपको एक वैरायटी देखने के लिए मिलती ध्यान रखिएगा दो तरह के फैक्टर्स हैं रिलीफ और क्लाइमेटिक फैक्टर्स रिलीफ में वी हैव लैंड एंड सॉइल क्लाइमेट में वी हैव टेम्परेचर पीरियड एंड प्रेसिपिटेशन ये भी ध्यान रखिएगा चलिए तो यहां से आगे बढ़ते हैं दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट माइंड मैप ये माइंड मैप आपको इन फैक्टर्स को रिवाइज करने में याद रखने में बहुत हेल्प करने वाला है तो दिस विल रियली कम इन हैंडी इनडीड रिविजन फॉर एग्जाम्स चलिए तो आगे बढ़ते हैं एंड स्टार्ट टॉकिंग अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन कवर और यहां पर हम पांच अलग अलग तरह के जंगलों के बारे में बात करेंगे विल टॉक अबाउट फाइव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट कवर सबसे सबसे पहले ऑन द लिस्ट वी हैव ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखो सबसे पहले वी हैव ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट अब ये वो जंगल हैं जिनकी एनुअल रेनफॉल रिक्वायरमेंट 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा है जब आप बारिश की बात करें तो 200 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल से भी ज्यादा रिक्वायरमेंट वाले एरियाज वहां पर आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे मोर देन 200 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल ये ध्यान रखिए ये रेनफॉल रिक्वायरमेंट है ऐसे एरियाज जहां पर इतनी ज्यादा बारिश है अगर हम हिंदुस्तान की बात करें सो वी हैव लक्षद्वीप वी हैव अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आईलैंड देखिए है ना थोड़ा सा असम कोस्टल एरियाज ऑफ तमिलनाडु ठीक है ना वेस्टर्न घाट्स ये वो एरियाज हैं जहां पर इतनी अच्छी बारिश होती मोर देन टू हंड्रेड सेंटीमीटर्स ऑफ एनअल रेनफॉल बड़ी अच्छी बारिश है ये ऐसे एरियाज में यू विल फाइंड ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ऐसे जंगलों में पेड़ों की जो हाइट है हाइट ऑफ द ट्रीज मे गो अपू सिक्सटी मीटर्स और इवन हाई साठ मीटर बहुत ज्यादा हाइट होती है भैया साठ मीटर से भी ऊंचे पेड़ आपको मिल सकते हैं इन फॉरेस्ट में ठीक है ना ना एवरग्रीन फॉरेस्ट की दो खास बात पहला जनरली एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर यू विल फाइंड मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर दीज फॉरेस्ट आर मल्टी लेयर्ड मल्टी लेयर्ड का मतलब यह है कि जब आप जंगल को देखेंगे तो इसमें आपको सबसे ऊपर तो कुछ पेड़ मिलेंगे दूसरी लेयर में कुछ मीडियम हाइट के पेड़ मिलेंगे फिर आपको कुछ श्रब्स मिलेंगे जो और कम हाइट पे फिर आपको क्रीपर्स और ग्रास मिलेगी तो आपको मल्टीलेयड फॉरेस्ट मिलेगी ठीक है ना एवरग्रीन फॉरेस्ट की जो कैनपी है वो इतनी डेंस हो जाती है इतने तो घने जंगल होते हैं बेटा ये कि कुछ पार्ट तो ये फॉरेस्ट के कभी सनलाइट आती नहीं है वहां एवरग्रीन फॉरेस्ट में इन जंगलों में कुछ एरियाज कुछ पैचेस तो ऐसे होते हैं जहां पर जमीन तक सनलाइट पहुंच ही नहीं पाती है क्योंकि ऊपर की कैनपी इतनी डेंस हो चुकी है जंगल का जो ऊपरी हिस्सा है पेड़ों वाला वो इतना घना हो चुका है कि सनलाइट तक नहीं घुस पाती है एरियाज में कुछ पार्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट में ये मल्टी लेयर फॉरेस्ट है ध्यान रखिएगा तो पहले की लेयर में सबसे ऊंचे पेड़ आ जाएंगे टॉलेस्ट ऑफ द ट्रीज फिर कुछ मीडियम हाइट के ट्रीज आ जाएंगे फिर श्रब्स आ जाएंगे फिर क्रीपर्स और ग्रास आ जाएगी तो ये मल्टी लेअर्ड फॉरेस्ट कहलाता है देख रहे हो सबसे ऊंचे पेड़ फिर मीडियम हाइट के पेड़ फिर श्रब्स आ गए उसके बाद क्रीपर्स और ग्रास आ जाएगी ये मल्टीलेयर्ड फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है ना तो पहला तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इसका ये है बहुत इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि ये मल्टीलेयर्ड फॉरेस्ट है दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दूसरा पहला और अब दूसरा देखिएगा देर इज नो डेफिनेट टाइम फॉर द ट्रीज इन दिस फॉरेस्ट टू शेड their लीव्स आपको पता है कि एक पर्टिकुलर मौसम होता है जिसे हम कहते हैं पतझड़ जनरली इस पतझड़ के मौसम में जिसको ऑटम कहा जाता है जो पेड़ हैं उनके पत्ते झड़के गिर जाते हैं है ना द ट्रीज शेड देयर लीव्स पेड़ों के पत्ते गिर जाते हैं पेड़ एकदम ऐसे नंगे नंगे हो जाते हैं बाद में फिर नए पत्ते आते हैं सही होता है एवरग्रीन फॉरेस्ट में जनरली देखो लोग क्या समझते हैं लोग ये समझते हैं कि एवरग्रीन फॉरेस्ट का मतलब ये है कि यहाँ पर पेड़ों के पत्ते कभी गिरेंगे ही नहीं लेकिन ऐसा नहीं है भाई ये सही अंडरस्टैंडिंग नहीं है एवरग्रीन फॉरेस्ट में भी पेड़ों के पत्ते गिरते हैं यहां पर भी पतझड़ होता है लेकिन एवरग्रीन क्यों कहा जा रहा है क्योंकि हर पेड़ का फिक्स टाइम नहीं है सभी पेड़ एक साथ पत्ते नहीं झड़ेंगे उनके सभी पेड़ों के पत्ते एक साथ नहीं झड़ेंगे कुछ पेड़ों के अभी झड़ गए कुछ के दो महीने बाद झड़ेंगे कुछ के और दो महीने बाद झड़ेंगे तो ऐसा कभी नहीं होगा कि एवरग्रीन फॉरेस्ट में सभी पेड़ों के पत्ते एक साथ झड़ गए तो ये फॉरेस्ट हमेशा ग्रीन लगेगा मैं एग्जाम्पल देता हूं कैसे यार मान लो कि एक रूम लेके तीन लोग रह रहे हैं मान लो मैं हूं और दो और लोग हैं मेरे साथ और हम लोग एक रूम शेयर करके रहते हैं हम लोग मान लीजिए पढ़ने के लिए हम लोग कहीं पे चले गए और हमने एक रूम ले लिया तीन लोगों ने मिलकर रूम में खिड़की है वो खिड़की नीचे गली से दिखती है नीचे गली से वो खिड़की दिखती है तो मान लेते हैं कि हम तीन दोस्त हैं उस एक रूम में और प्रॉब्लम ये है कि हम तीनों का जो पढ़ने का शेड्यूल है वो बहुत अलग अलग है मैं एक अर्ली बर्ड हूँ सुबह तो छः बजे मैं पढ़ने बैठ जाता हूँ सुबह तो छः बजे उठ गया छः बजे उठकर मान लीजिए सात बजे तक मैं अपने सब काम से फ्री होके पढ़ने बैठ गए रूम की लाइट ऑन करी पढ़ने बैठ गए सात से बारह एक दो बजे तक मैं पढ़ता हूँ और उसके बाद सात आठ घंटे अच्छे से पढ़ के खाना वाना खा के फिर मैं दोपहर में सो जाता हूँ वहीं दूसरी तरफ मेरा जो दूसरा रूम पार्टनर है वो सुबह बहुत लेट उठता है बारह बजे आँख जाके खुलती है बारह बजे आँख खुलती है फिर चार कप चाय पीते हैं तो दिमाग कहीं सेंटर में आता है कि अच्छा कुछ पढ़ाई वढ़ाई करनी है थोड़ा बहुत नहा धो लिए उसके बाद एक दो बजे तक लंच करने के बाद वो पढ़ने बैठता है यानी कि जिस वक्त मैं दोपहर में खाना खा के सोने जा रहा हूँ उस वक्त वो पढ़ने बैठेगा तो रूम की जो लाइट थी वो ऑफ नहीं हो पाई वो ऑन ही है कि अब दूसरा व्यक्ति पढ़ने बैठ गया है अब वो पूरी दोपहर पढ़ेगा शाम को पढ़ेगा शाम को सात आठ बजे डिनर के टाइम पर वो पढ़ाई छोड़ देगा थक जाएगा और डिनर करके थोड़ा बहुत मोबाइल वोबाइल चला के अब वो सो जाएगा और जो हमारा तीसरा रूममेट है वो नाइट आउल है डॉक्टर है वो रात में पढ़ने वाला व्यक्ति है निशाचर है कुछ लोग होते हैं जिनको लगता है कि रात में पढ़ेंगे तो पढ़ाई अच्छी होगी तो वो रात को डिनर करने के बाद नौ साढ़े नौ बजे पढ़ने बैठता है दस बजे तक पढ़ने बैठता है और सुबह चार पांच बजे तक पढ़ता है फिर सुबह पांच बजे छह बजे के करीब जब मेरा उठने का समय हो रहा है तो वो व्यक्ति सो जाता है लेकिन रूम की लाइट अभी भी ऑफ नहीं हुई अब मैं उठ गया अब मैं नहा धो के पढ़ूंगा बाहर से जो व्यक्ति हमारी खिड़की को देखेगा हमारे रूम की खिड़की को देखेगा उसकी लाइट को देखेगा तो उसे लगेगा कि यार ये तीन लड़के कभी सोते नहीं है क्या या तो ये तीन लड़के कभी सोते ही नहीं है ये दिन रात जागते रहते हैं या इनके रूम की लाइट ये लोग ऑफ नहीं करते हैं जान कर दिखाने के लिए कि हम कितना पढ़ते हैं दिन में भी रात में भी तो क्या ये बात सच है कि हम तीनों लोग सो नहीं रहे हैं क्या यह बात सच है कि हम तीनों ही लड़के जो एक रूम में शेयर करके पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग सोते ही नहीं है क्या ये सच है बात नहीं लेकिन हम तीनों एक साथ नहीं सोते हैं। एक व्यक्ति रात में सोता है एक दिन में सोता है एक दोपहर में सोता है तीनों का सोने और उठने का यानी कि पढ़ने का टाइम अलग अलग है लेकिन देखने पर ऐसा लगता है यार रूम की लाइट तो हमेशा ऑन रहती है लगता है पूरा दिन ही पढ़ते रहते हैं कंसेप्ट को पकड़ना और इसको को रिलेट करना यहां से देखने पर ऐसा लग रहा है कि यार ये ये जंगल में तो कभी भी पत्ते झड़ते ही नहीं है ये जंगल तो पूरा साल हरा रहता है एवरग्रीन रहता है लेकिन क्या ये सच है इस जंगल में पेड़ों के पत्ते झड़ते नहीं है नहीं पेड़ों के पत्ते झड़ते हैं लेकिन उनके पतझड़ का टाइम अलग अलग है इसलिए कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सभी पेड़ एक साथ पत्ते झड़ गए समझ रहे हो इसीलिए इस फॉरेस्ट को हम कहते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट ये कंसेप्ट पता होना चाहिए बेटा दिमाग में इट शुड बी वेरी क्लियर इन माइंड एनसीआरटी सर इट्स अ ब्यूटिफुल बुक एन उस पर कमांड कर लो पता नहीं क्यों बहुत बच्चे भागते हैं सर ये बुक बता दीजिए वो बुक बता दीजिए पता नहीं कौन सा आइडिया कौन सी रेस पता नहीं कितनी गाइड्स मार्केट में आ गई हैं एंड द मार्केट फ्लडेड ऑल रेफरेंस बुक्स रिफ्रेशर्स और ये कचरा है यार कुछ बाप का पैसा और अपना टाइम मत खराब करो एन सी आर टी इज द बाइबल मतलब सुबह उठा करो तो पहले एनसीआर टी को उठा के माथे से लगाया करो और उसके बाद पढ़ा करो बाइबल है सर हमें क्या लगता है कि इतनी पतली है एनसीआर टी इसमें इस क्या है सर एक लाइन में एनसीआरटी की एक एक लाइन चुमनीय है और एक एक सेंटेंस से क्वेश्चन बन सकता है एन की एक एक लाइन से क्वेश्चन बन सकता है एक एक लाइन से अब एन ने कितना बारीकी से बस एक लाइन में कह दिया कि देर इज नो डेफिनेट टाइम फॉर द ट्रीज टू शेड देयर लीव इन एवरग्रीन फॉरेस्ट ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में शेडिंग लीव्स के लिए टू शेड द लीव्स ऑफ द ट्रीज कोई डेफिनेट टाइम नहीं है बस एक लाइन लिख दिया इस लाइन के अंदर पूरे एवरग्रीन का कंसेप्ट छुपा हुआ है यही रीजन है कि पूरा साल द फॉरेस्ट अपियर ग्रीन थ्रू आउट द ईयर इसीलिए हम कह रहे हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट तो ये ध्यान रखिएगा बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टार मार्क कर दे रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको छोड़ना नहीं है ठीक है अब जब हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करते हैं तो यहां पर किस तरह के पेड़ हैं यहां पर यू विल फाइंड मेहोगनी रोजवुड रबर इस तरह के पेड़ मिलेंगे यहाँ ये यह एवरग्रीन फॉरेस्ट के पेड़ है अच्छी बारिश चाहिए घनी बारिश इनको है ना रिच रेनफॉल चाहिए इनको हैवी रेनफॉल चाहिए दो सेंटीमीटर से ज़्यादा एनुअल रेनफॉल ऐसे जंगलों में किस तरह के जानवर मिलेंगे आपको वन हॉर्न रॉनोसेरस है ना लेमूर लेमूर मतलब लंगूर लंगूर एक तरह का बंदर होता है तो मंकी लेमूर एलिफेंट वन हॉर्न डाइनोसेरस है ना डियर वियर इस तरह के जानवर आपको मिलेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में तो ये है फर्स्ट टाइप ऑफ फॉरेस्ट ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ठीक है ना उष्ण कटिबंधीय वन हिंदी मीडियम से अगर कोई बच्चा है उष्ण कटिबंधीय वन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है ना दूसरे तरह का फॉरेस्ट है सेकेंड टाइप ऑफ वेजिटेशन कवर जो सबसे कॉमन है इंडिया में ट्रॉपिकल डेसीडियस डेसीडियस फॉरेस्ट फॉरेस्ट ध्यान रहेगा ट्रॉपिकल ये ये जो थे उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन और ये उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट है ना बेटा ये मत सोचिएगा कभी भी कि कोई बच्चा हिंदी मीडियम से है तो आपका मीडियम कुछ भी हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो पढ़ाई सबके लिए बराबर है बेटा और सभी के लिए बराबर अवसर है बराबर अपॉर्चुनिटी तो मैं हमेशा कहता हूँ हिंदी मीडियम के बच्चों से कभी भी ये मत सोचिएगा कि आप किसी भी तरह से किसी भी रूप में इंग्लिश मीडियम के बच्चों से पीछे हैं ठीक है ना मेरी स्कूलिंग हुई है मिशनरी स्कूल से कॉन्वेंट हिंदी मीडियम छोड़ो अंग्रेजी भाषा के अलावा वहाँ ना तो कुछ समझते थे ना समझाते थे इंग्लिश मीडियम क्योंकि इट वॉज अ कॉन्वेंट वहाँ हिंदी में बोलोगे सम, समझते नहीं थे द, दो डंडे और पढ़ते थे दो डंडे और एक्स्ट्रा पढ़ जाते थे हिंदी बोलने के चक्कर में वहां पे वो सिस्टर होती हैं मोस्ट ऑफ देम वर फ्रॉम साउथ इंडिया केरल वगैरह से वो एक हमारी थी सिस्टर मैरी आज भी याद है सर मैथ्स पढ़ाती थी वॉज ए लेडी इन हर सिक्सटी उस एज में जब इंसान ये भूल जाता है कि मैंने चाबी कहाँ रख के छोड़ी थी मैंने अपना मोबाइल कहाँ रख दिया मेरी दवाई का टाइम हो गया उस एज में यूज टू टीच मैथेमेटिक्स और ज़बरदस्त कमांड और म्यूजिकल तरीके से मारती थी म्यूजिकल हाथ पकड़ती थी एंड उस वक्त मारना वारना अलाउड था आजकल नहीं था ना आजकल तो घर में दो लाल हैं कैसे मारें एक एक टावर है घर में एक एक लाल है और मेरा बेटा पहले तो मारते थे यूज टू हिट विद बैम्बू स्टिक और म्यूजिकली मारती थी हाथ पकड़ के मिस्टर शुभम गुप्ता वाई आर यू नॉट सिटिंग साइल वो गाना गाती थी हाथ खींच लेते थे कि गाना गा रही है और मार रही है हिंदी समझती नहीं थी तुम हिंदी बोलोगे वो दो और मारती थी स्कूलिंग हुई मेरी कॉन्वेंट से और कॉलेज हुआ हिंदी मीडियम से गवर्नमेंट कॉलेज सरकारी कॉलेज राजस्थान का हिंदी मीडियम तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि हम बचपन से इंग्लिश मीडियम इंग्लिश मीडियम इंग्लिश मीडियम पढ़ते आ रहे थे ना तो हमारी इंग्लिश अच्छी हुई ना हमारी हिंदी अच्छी हुई हम हमें आधी हिंदी आती है आधी अंग्रेजी आती है और हिंदी मीडियम कॉलेज में पढ़ के मुझे रियलाइज़ हुआ कि हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले बच्चों का पोटेंशियल कितना ज़बरदस्त होता है और मेहनत करने की लगन कितनी ज़्यादा होती है तो ये कभी मत सोचिएगा बेटा कि आपका मीडियम इंग्लिश नहीं है तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे पीछे रह जाएंगे या किसी रूप में आप अंग्रेज़ी बोलने वालों से या समझने वालों से पढ़ने वालों से पीछे हैं बिल्कुल नहीं है बेटा ऐसा पढ़ाई पढ़ाई है चाहे अंग्रेजी में की जाए चाहे हिंदी में की जाए कोई बच्चा अगर आप में से जो ये लेक्चर देख रहा है अगर हिंदी मीडियम से भी है तो चिंता की जरूरत नहीं है मैं हिंदी में भी नाम बोल दे रहा हूं तो ये ट्रॉपिकल डेड फॉरेस्ट है उष्ण कटिबंधी है अब देखिए इसके बारे में ध्यान रखिएगा कि वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉरेस्ट है इंडिया में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले जंगल यही होते हैं हिंदुस्तान में इन्हें मॉनसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है मॉनसून फॉरेस्ट बारिश पर बहुत डिपेंडेंट है बाबू ऐसे एरिया में है जहां पर देखो जब बारिश का मौसम होगा मानसून होगा जंगल एकदम घने और हरे हो जाते हैं ड्राई सीजन में पत्ते झड़ जाते हैं इनको मानसून फॉरेस्ट कहते हैं रेनफॉल रिक्वायरमेंट है सत्तर से दो सौ सेंटीमीटर है ना टू हंड्रेड टू सेवेंटी सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल अब इस बेसिस पर दो तरह के हैं इसी आधार पर दो तरह के हैं पहले हैं मॉइस्ट डेसीडियस देखो दो पार्ट से दो सौ से हंड्रेड है और दूसरा 100 से 70 इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया पहला है 200 से 100 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल और दूसरा है 100 टू 70 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल देख रहे हो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया रेनफॉल रिक्वायरमेंट को तो जो 200 से 100 सेंटीमीटर वाला पार्ट है इसे हम कहेंगे मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट मॉइस्ट और जो हंड्रेड से 70 वाला पार्ट है इसे हम कहेंगे ड्राई डेसीडुअस फॉरेस्ट ड्राई तो जब हम मॉइस्ट डेसीडियस की बात करते हैं दीज आर फॉरेस्ट जो ऐसे एरियाज में पाए जाते हैं जहां पर एनुअल रेनफॉल कितना है 200 से 100 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल है तो हमारे पास हिमालयास की फुटहिल्स हैं या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं है ना थोड़ा झारखंड छत्तीसगढ़ ठीक है ना ऐसे एरियाज में थोड़ा सा उड़ीसा यहाँ पर आपको मॉइस्ट डेसिड्यूस फॉरेस्ट मिलेंगे कौन कौन से पेड़ मिलेंगे यहां पर साल मिलेगा शीशम चंदन के पेड़ है ना सैंडलवुड ठीक है ना अर्जुन कुसुम इस तरह के पेड़ आपको इन फॉरेस्ट में मिलेंगे मॉइस्ट डेसिडुअस वाइल ऑन दी अदर हैंड जब आप ड्राई एसिड्यस की बात करते हैं ये कौन से एरियाज में है जहां पर एनुअल रेनफॉल कितना है हंड्रेड से सेवेंटी सेंटीमीटर सत्तर से सौ सेंटीमीटर अगर एनुअल रेनफॉल है ऐसे एरियाज में आपको ड्राई एसिडअस फॉरेस्ट मिलेंगे ड्राई एसिडस उत्तर प्रदेश बिहार है ना थोड़ा सेंट्रल इंडिया ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर आपको ड्राई एसिडअस तो यहाँ पर ज्यादातर पेड़ मिलेंगे आपको नीम का पेड़ पीपल का पेड़ टीक है ना साल ये जो पेड़ है ये ड्राई एसिडअस के पेड़ इनी जंगलों में आपको डेसीड्यूस फॉरेस्ट में डेसीड्यूस फॉरेस्ट में एलिफेंट लायन, है ना इस तरह के जानवर मिलेंगे ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सेकेंड टाइप ऑफ वेजिटेशन कवर है ट्रॉपिकल डेसीडुअस फॉरेस्ट पहला कौन सा था ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट एवरग्रीन क्यों कहा था समझ में आ गया था आपको तो पहला ट्रॉपिकल एवरग्रीन दूसरा ट्रॉपिकल डेसीडुअस तीसरा तरह का वेजिटेशन कवर है हॉर्नी फॉरेस्ट कांटेदार वन हिंदी मीडियम में कांटेदार वन हॉर्नी फॉरेस्ट है ना अब नाम से ही पता चल जा रहा है कांटेदार वन में कहते हैं कांटेदार वन कांटेदार वन थॉर्न्स थॉर्नी फॉरेस्ट अब यह मिलेगा आपको डेजर्ट एरिया पर रेनफॉल जहां पर बारिश बहुत कम है एनुअल रेनफॉल सेवेंटी सेंटीमीटर्स फिफ्टी सेंटीमीटर्स पचास या सत्तर सेंटीमीटर से भी जहां पर कम एनुअल रेनफॉल है ऐसे एरियाज में यूल फाइंड थॉर्नी फॉरेस्ट मेजरली गुजरात और राजस्थान मेनली ये दो स्टेट है ना ये ध्यान रखिए अब यहां पर आपको हॉर्नी ट्रीज मिलेंगी है ना कांटेदार पेड़ मिलेंगे झाड़ियाँ कांटेदार झाड़ियाँ मिलेंगी जैसे कि पाम के पौधे पाम के पेड़ है ना या कैक्टस है ना फोरबिया इस तरह के पेड़ मिलेंगे अब देखिए यहाँ की खास बात क्या है दो तीन बातें खास हैं पहला तो यहाँ पर जो पेड़ हैं जो वेजिटेशन कवर है वो घना नहीं है डेंस नहीं है बहुत ही ज्यादा स्कैटर्ड है बहुत ही ज्यादा स्पार्स है एक पेड़ यहां पर है दूसरा पेड़ वहां से पचास फुट आगे है बहुत दूर दूर है पेड़ नज़दीक नजदीक नहीं है क्योंकि जमीन में पानी कम है ना बारिश तो है नहीं जमीन में पानी कम है तो एक पेड़ को ज्यादा एरिया कवर करना पड़ता है एक पेड़ की रूट्स को ज्यादा एरिया कवर करना पड़ता है टू गेट मॉइस्चर फ्रॉम द सॉइल टू गेट मॉइस्चर फ्रॉम द लैंड नजदीक नजदीक पेड़ होंगे तो उनके लिए जमीन में मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी नहीं है तो यहाँ पर जो वेजिटेशन कवर है वो बहुत ही ज्यादा स्कैटर्ड है पेड़ों की जो रूट्स हैं वो बहुत लंबी बहुत ही लॉन्ग टैप रूट्स हैं आपने बचपन में दो तरह की रूट्स पढ़ी होंगी टैप रूट्स और फाइबर रूट्स फाइबरस रूट्स ऐसे फैलती हैं टैप रूट्स नीचे लंबा जाती हैं तो ये वो पेड़ हैं जिनकी टैप रूट्स हैं और बहुत ही लंबी रूट्स हैं बहुत ही गहरी जड़ है ताकि ज़्यादा गहराई में जाकर वहाँ से मॉइस्चर निकाल सके ठीक है ना ये ध्यान रखिएगा अच्छा इसकी जो पत्तियां है, हैं लीव्स हैं यहाँ पर जो पेड़ है उनकी जो पत्तियां हैं वो ज्यादातर आकार में साइज में शेप में छोटी होती हैं और वैक्सीयर थोड़ी सी वैक्सी होती हैं ताकि पानी को कंजर्व कर सके देखो बेटा आपने शायद पढ़ा होगा बायोलॉजी के अंदर कि जब स्टोमेटल पोर से जो पत्ती होती है ना उस पर स्टोमेटा होता है जब स्टोमेटा खुलता है तो गैसियस एक्सचेंज होता है ना उस प्रोसेस में थोड़ा सा ट्रांसपिरेशन होता है थोड़ा सा वाटर लॉस होता है स्पेशली गर्मी में जब गैसियस एक्सचेंज होता है पत्तियों के अंदर जो स्टोमेटल पोर है जब वो ऐसे ओपन हो जाता है तो गैसियस एक्सचेंज होता है उसी प्रोसेस में थोड़ा सा पानी इवेपरेट हो जाता है वाटर लॉस हो जाता है एक बहुत ही नेचुरल बहुत ही कॉमन फेनोमिना है लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी पानी की बहुत कमी है यहाँ पर ऑलरेडी मॉइस्चर की बहुत शॉर्टेज है ऐसे एरियाज़ में पानी को कंजर्व करना ज़रूरी है मॉइस्चर को रिटेन करना ज़रूरी है तो पत्तियाँ जो होती हैं पौधों की पेड़ों की वो छोटी होती हैं साइज में है ना और जनरली थोड़ा सा मोटी होती हैं थोड़ा सा वैक्सी होती हैं उनकी जो सरफेस है ठीक है ना लीव्स आर थिक स्मॉल एंड वैक्सी ठीक है ना ताकि वाटर लॉस को मिनिमाइज कर सकें इवेपोरेशन को मिनिमाइज कर सकें और यही रीजन है कि बहुत सारी जो लीव्स हैं ऐसे अपने आप को कांटों में थॉर्न में कन्वर्ट कर लेती हैं सरफेस एरिया को रिड्यूस करने के लिए सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा इवेपोरेशन भी उतना ज्यादा होगा तो सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने के लिए जो पत्तियां हैं वो अपने आप को कन्वर्ट कर लेती हैं इनटू थॉर्न कांटे देव? खास बात है यहाँ के पेड़ों की आपको पता होना चाहिए और ऐसे एरियाज में किस तरह के जानवर मिलेंगे आपको रोडेंट्स बहुत मिलेंगे रोडेंट्स ये रोडेंट्स मिट्टी में रहते हैं ना मिट्टी में बिल बना के बरो बना के रहते हैं चूहे हैं सांप हैं है ना बिच्छू बिच्छू हैं इस तरह के जानवर ज्यादा मिलता है या फिर इसके अलावा थोड़ा बड़े जानवरों की बात करें तो डेजर्ट फॉक्स है वाइल्ड एस है कैमल्स हैं इस तरह के जानवर काफी मिलते हैं है ना ध्यान रखिए तो कहीं भी कैसे जानवर होंगे ये डिपेंड करता है इस बात पर कि वहां का वेजिटेशन कवर कैसा है वहां की ज्योग्राफी कैसी है, ठीक है तो ये थर्ड टाइप ऑफ फॉरेस्ट है बेटा थॉर्नी फॉरेस्ट नेक्स्ट टाइप ऑफ फॉरेस्ट है माउंटेन फॉरेस्ट ये पहाड़ों में होते हैं माउंटेन फॉरेस्ट अब देखो अगर आप माउंटेन वेजिटेशन की बात करते हैं तो ये थोड़ा सा बदलती है जैसे जैसे आप पहाड़ में ऊपर चढ़ेंगे वैसे वैसे वेजिटेशन कवर चेंज होता जाएगा कैसे अगर आप हजार से दो हजार मीटर तक की बात करते हैं आप पहाड़ पे चढ़ रहे हैं हजार पंद्रह सौ से दो हजार मीटर तक की हाइट पे यहां पे आपको टेम्परेड फॉरेस्ट वेथ टेम्परेड फॉरेस्ट मिलेंगे यहां पर ओक ट्रीज मिलेंगी कैस्टनट के पेड़ मिलेंगे थोड़ा सा और हाइट पे जाएंगे 1500 से 3000 मीटर पे जाएंगे तो वहां पे आपको कॉनिफेरस ट्रीज मिलेंगे हैं ना कॉनिफेरस ट्रीज अगर थोड़ा सा मेरी ड्राइंग पे नहीं जाइएगा ये कॉनिफेरस ट्रीज होते हैं है ना या फिर इस तरह से अगर बना दें ट्रीज होते हैं हिंदी में में कहते हैं कोन की शेप में। ताकि जब स्नोफॉल होगा जब बर्फ गिरेगी तो वो पेड़ों के पत्तों पर रुकेगी नहीं वो बर्फ गिर जाएगी जैसे पहाड़ों में जो लोगों के घर होते हैं जहां पर बहुत बारिश होती है या ऐसे एरियाज जहां पर स्नोफॉल होता है बर्फ गिरती है ऐसे एरियाज में लोगों के जो घर होते हैं उसकी छत भी ऐसे होती है स्लैंडिंग रूफ होती है पढ़ा है ना क्यों होती है ताकि जब बहुत बारिश होगी या हेल स्टॉम होगा या स्नोफॉल होगी तो वो छत पर बर्फ़ रुकेगी नहीं वो बर्फ़ स्लाइड होते हुए नीचे गिर जाएगी किसी भी जगह की हैबिटेट किसी भी जगह का अकोमोडेशन वहाँ का कल्चर उस सब डिपेंड करता है कि जगह की ज्योग्राफ़ी कैसी जहाँ पर स्नोफॉल होती है वहाँ पर पेड़ भी कौनी होते हैं ताकि जब बर्फ़ गिरेगी तो वो पत्तों पर ठहरेगी नहीं वरना पौधा मर जाएगा पेड़ मर जाएगा वो बर्फ नीचे गिर जाएगी है ना कॉनीफेरस ट्रीज कॉनीफेरस जैसे कि पाइन देवदार, पर, स्प्रूस ये पेड़ होते हैं हाँ ये ठीक है थोड़ा सा और हाइट पे जाएंगे साढ़े तीन हजार चार हजार मीटर पे जाएंगे वहां पे आपको एल्पाइन वेजिटेशन कवर मिलेगा है ना सिल्वर फर के पेड़ बर्च जूनिपर्स इनके पेड़ मिलेंगे आप ठीक है ना और हाइट पे जाएंगे तो आपको टुंड्रा वेजिटेशन मिलेगा टुंड्रा वेजिटेशन है ना इसमें पेड़ वेड़ ज्यादा नहीं होते हैं थोड़ा बहुत मॉसेस एंड लाइक यही सब होता है ज्यादा कुछ नहीं मिलता क्योंकि जब बहुत ज्यादा हाइट पे जाते हैं तो जो हाई माउंटेन पीक्स हैं दे आर कवर्ड विद पेरेनियल स्नो पेरेनियल स्नो कवर का मतलब होता है ऐसी बर्फ जो पूरे साल रहती है जो बिल्कुल हाई माउंटेन्स है ना यहाँ पर आपको बर्फ पूरा साल मिलती है थ्रू आउट द ईयर यू विल फाइंड स्नो कैप्ड माउंटेन्स पहाड़ जो ऊंचे पहाड़ हैं पूरा साल बर्फ ढके रहते हैं तो वहाँ पर जो मिट्टी का पी है वो एसिडिक हो जाती है मिट्टी पी कम हो जाता है साथ से द दॉयल इज नॉट गुड फॉर वेजिटेशन कवर वहां पर आपको ये मॉसिस लाइक ये सब मिलता है ज़्यादा पेड़ वेड़ नहीं होते है। ठीक है ना अच्छा माउंटेन फॉरेस्ट में इस तरह के पहाड़ी जंगलों में आपको कौन से जानवर मिलेंगे अब ऐसे जानवर मिलेंगे जो ठंड बर्दाश्त कर सके और हाइट पे चढ़ सके देखो पहाड़ों में रहने के लिए जानवर को दो चीज़ चाहिए एक तो उसको टेम्परेचर रेजिस्टेंस चाहिए भाई जब ज्यादा ठंड होगी तो उसकी बॉडी में गर्माहट बनी रहे तो ऐसे जानवर होंगे जिनकी बॉडी पे मोटा फर है और दूसरा वो जानवर जो पहाड़ में चढ़ सकते हो अब घोड़ा पहाड़ पे नहीं चढ़ सकता घोड़ा घास के मैदान में भाग सकता है तो वो नहीं होगा यहाँ पर समझ रहे हो ना ऐसे जानवर चाहिए जो ठंड से अपने आप को बचा सकें जब टेम्परेचर बहुत कम हो और पहाड़ पे चढ़ सकें तो आपको ऐसे एरियाज में यू विल फाइंड कश्मीरी स्टैग है ना यू विल फाइंड तिब्बतन एंटीलोप विल फाइंड याक फाइंड स्नो लेपर्ड यू फाइंड पोलर बेर फाइंड माउंटेन गोट फाइंड आई बैक्स है ना रेड पैंडा इस तरह के जानवर मिलेंगे ठीक है एंड द नेक्स्ट टाइप ऑफ फॉरेस्ट द लास्ट काइंड ऑफ फॉरेस्ट कवर वेजिटेशन कवर इज माउंटेन सॉरी मैंग्रोव फॉरेस्ट मैंग्रोव्स मैंग्रोव्स को मैंग्रोव टाइडल फॉरेस्ट भी कहा जाता है है ना देखिए ऐसा क्यों कह रहे हैं हम लोग मैंग्रूव कोस्टल एरियाज के जंगल हैं कोस्टल एरियाज ऐसे एरियाज जो समुद्र तट के, के है ना नजदीक है ठीक है ना समुद्र तट समुद्र के आसपास का जो एरिया है जिसको आप कोस्टल एरिया कहते हैं सी कोस्ट कहते हैं ऐसे एरियाज में ये मैंग्रोव्स होते हैं एंड दे आर हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय टाइड्स अब देखो आपको अच्छी तरह पता है कि ये वो एरियाज़ हैं जो बहुत फर्टाइल होते हैं क्योंकि यहाँ पर सैंड सिल्ट बहुत ज्यादा है भाई मान लीजिए कि गंगा रिवर आ रही है ब्रह्मपुत्र रिवर आ रही है गोदावरी है कृष्णा है ये सब नदियां बे ऑफ बंगाल में जाने से पहले डेल्टाज बनाती हैं डेल्टा क्या होता है डेल्टा वो जगह है यहाँ पर नदियां अपने लास्ट स्टेज पे है और वो बे ऑफ बंगाल में जाने से पहले वहां पे सबमर्ज होने से पहले पानी के साथ साथ जो भी सेडिमेंट्स लेकर आई है उनको डिपॉजिट करती है और उस डिपोजिशन की वजह से वो एरिया बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिय रिच हो जाता है और उसकी वजह से वहां पर आपको घने जंगल मिलेंगे सुंदरबन डेल्टा इज अ क्लासिकल एग्जाम्पल एंड सुंदरबन फॉरेस्ट इज अ वंडरफुल एग्जाम्पल फॉर मैंग्रूव ठीक है ना डेंस मैंग्रूव डेंस आपको तो पेड़ों की जड़ें पानी के अंदर ऐसे जाती हुई दिखाई देंगी सर आप चाहे सुंदरबन की बात कीजिए जो ब्रह्मपुत्र डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा तो आप सुंदरबन कहते हैं सुंदरबन क्यों कहते हैं बेसिकली पर सुंदरी के पेड़ हैं इस जंगल में सुंदरी के पेड़ हैं सुंदरी एक पेड़ का नाम है हार्डवुड ट्री है सुंदरी तो इस जंगल में सुंदरबन डेल्टा में जो जंगल है तो इस देखो एक्चुअली क्या था इसका नाम था सुंदर वन ऐसा वन जिसमें सुंदरी पेड़ है सुंदर वन आउट ऑफ मिस प्रोनसिएशन वो वन को हमने बन बोलना शुरू कर दिया तो सुंदरबन बन गया कई लोग सुंदर बन भी कहते हैं है ना सुंदरबन तो सुंदरबन जो है वो एक्चुअली गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा है बहुत बड़ा डेल्टा हिट्स इट्स द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड बाय फाउंड बायर सुंदरबन इसमें सुंदरी के पेड़ हैं है ना डेंस एकदम जंगल है इसी तरह से महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी ये नदियाँ भी अपने डेल्टास बनाती हैं यहाँ पर भी आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट मिलेंगे तो यहाँ पर आपको केवड़े के पेड़ मिलेंगे नारियल के पेड़ मिलेंगे ना डेंस कवर मिलेगा फॉरेस्ट का अगर सुंदरबन की बात करते हैं सर स्पेसिफिकली तो इट्स इट्स हैबिटेट फॉर रॉयल बंगाल टाइगर रॉयल बंगाल टाइगर का तो घर है सुंदरबन फॉरेस्ट ठीक है ना इसके अलावा अब क्योंकि ये स्वाम्पी एरिया है दलदली इलाका है मार्शी लैंड है यहाँ पे आपको क्रोकोडाइल्स एलिगेटर्स जिसको घड़ियाल कहते हैं ना लंबी नाक वाला मगरमच्छ होता है ये सब आपको यहाँ पे मिलेगा ठीक है तो ये पांच तरह के फॉरेस्ट आपको ध्यान रखने हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ट्रॉपिकल डेसीडुअस फॉरेस्ट हॉर्नी फॉरेस्ट माउंटेन फॉरेस्ट और मैंग्रोव ये आपको ध्यान रखने हैं ठीक है चलिए नाउ लेट्स टॉक अबाउट वाइल्ड लाइफ देखिए जब हम वाइल्ड लाइफ की बात कर रहे थे हमने इनिशियली कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात की थी कुछ कुछ डेटास को हमने देखा था तो आपको याद हो हमने कहा था कि इंडिया में वी हैव नाइनटी थाउजेंड एनिमल स्पीसीज नब्बे हजार नाइन्टी थाउजेंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स वी हैव इन द कंट्री तो ये बहुत बड़ा नंबर है है ना लगभग हमने कहा था दो हजार बर्ड स्पीसीज हैं लगभग ढाई हजार फिशेज की स्पीसीज हैं पाँच से छह परसेंट या आठ परसेंट हमारे पास दुनिया भर के एम्फीबियंस हैं रेप्टाइल्स हैं दीज आर क्वाइट लार्ज नंबर्स ये छोटे मोटे नंबर्स नहीं है सर ठीक है ना अलग अलग तरह के जानवर आपको इंडिया में और इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग रीजन्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे स्टार्टिंग विद एलिफेंट इंडिया में हाथी भी बहुत हैं पहले से काफी कम हो गए बट हैं इन द स्टेट्स ऑफ असम केरल आपको एलिफेंट्स मिलेंगे है ना हॉर्ड राइनोसैरस ये आपको वन हॉर्न राइनोसैरस है ना ये आपको असम में काफी कॉमनली देखने के लिए मिलेगा असम के अंदर वाइल्ड एस जंगली गधा ये किरण ऑफ कच्छ में गुजरात में है है ना इसी तरह से ऊंट कैमल्स वेरी कॉमन इन द दर्ड डेजर्ट ऑफ राजस्थान ठीक है ना इसी तरह से इंडियन बेसन नील गाय नील गाय ब्लू बुल नील गाय चौसिंगा चौसिंगा चार सिंग वाला एंटीलोप है चौसिंगा है ना ये सब जानवर भी बहुत कॉमन है इंडियन लायन भारतीय बब्बर शेर इंडियन लायन ये गुजरात के जो गिर के जंगल हैं द तो गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात यहां पर काफी कॉमनली पाए जाते हैं इसी तरह से टाइगर्स अब टाइगर्स अलग अलग स्टेट्स में बंगाल में भी पाए जाते हैं राजस्थान मध्य प्रदेश इन एरियाज में भी हैं ठीक है ना इंडिया इज़ वन ऑफ द रेरेस्ट कंट्रीज कि जहाँ पर लायन और टाइगर दोनों हैं बहुत कम कंट्रीज ऐसे हैं कि ऐसा देश जहाँ पर लायन के लिए भी हैबिटेट है और टाइगर के लिए भी है बहुत कम देश ऐसे हैं जहां पर दोनों बिग कैट्स एक ही देश में रहती हैं दोनों को रहने के लिए जो एनवायरनमेंट है काफी अलग चाहिए तो यहां पर गुजरात के जंगलों में आपको शेर देखने के लिए मिलेंगे बंगाल मध्य प्रदेश के एरियाज में टाइगर देखने के लिए मिलेंगे हमारे पास ऑलमोस्ट सभी बिग कैट्स हैं यहां पर एशियाटिक चीता तो अब एक्सटिंक्ट हो गया है बट वी हैव लेपर्ड्स है ना पैंथर नंबर्स आर क्वाइट डिंग डाउन ठीक है तो वाइल्ड लाइफ में इसी तरह से अगर जैसे हम बात कर रहे थे अगर आप पहाड़ी एरियाज में जाएंगे ऊपर कश्मीर की तरफ या अपर हिमालयाज़ में लद्दाख की तरफ अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको वो जानवर मिलेंगे जो हैव वाइड थिक फर ऑन देयर बॉडी और पहाड़ में चढ़ सकते हैं थिक फर वाले जैसे कि आपको यहाँ पर याक मिलेगा है ना तिब्बतन एंटीलोप मिलेगा शीप है ना वाइल्ड ऐसे जानवर मिलेंगे जो पहाड़ों में चढ़ सकते हैं तिबन वाइल्ड एस आईबेक्स आई को कभी भी आईबैक्स एक तरह की बकरी आई कभी देखिएगा यूट्यूब स्टीप माउंटेन स्लोप पर एक खड़े एकदम पहाड़ पर ऐसे चढ़ जाती है सर जैसे कोई ग्रेविटी ही ना हो जैसे कोई गिरने का डर ही ना हो ऐसा चढ़ जाती है आई ठीक है ना स्नो लेपर्ड है रेड पैंडा है पेयर हैं ये सब जानवर यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं अगर आप कोस्टल एरियाज़ में जाएंगे तो वहाँ पे क्रोकोडाइल एलिगेटर्स टर्टल ये जानवर देखने के लिए मिलेंगे है ना इसके अलावा हमारे पास अलग अलग तरह के बर्ड्स हैं अलग अलग तरह के बर्ड्स हैं है ना एक बड़ा बर्ड किंगडम हमारे पास भी है ठीक है अब देखिए दो बातें सबसे पहले तो दो तीन रीजंस हैं जो पता होने चाहिए कि देश में ये नेचुरल वेजिटेशन और इंपॉर्टेंटली वाइल्ड लाइफ क्यों खतरे में है व्हाट आर द मेजर रीजन व्हाट आर द मेजर कॉजेज विच आर एक्चुअली थ्रेट टू द नेचर एंड वाइल्ड लाइफ उसमें एक बहुत बड़ा रीजन है हंटिंग या पोचिंग जानवरों को कमर्शियल यूज से कमर्शियल प्रॉफिट की वजह से मारा जाना एक बहुत बड़ा रीजन है देश में वाइल्ड लाइफ के खतरे में तो जंगली जानवर खतरे में आ गए उसका बहुत बड़ा रीजन है हंटिंग बहुत बड़ा रीजन हंटिंग या पोचिंग पोचिंग का मतलब होता है इलीगल हंटिंग खैर अब तो देश में हंटिंग इलीगल ही है ठीक है दूसरा एनवायरमेंटल पोल्यूशन चाहे केमिकल पोल्यूशन हो अभी रिसेंटली रिसेंटली मतलब कुछ दस पंद्रह साल पहले एक बहुत बड़े ब्रांड बहुत फेमस ब्रांड बहुत फेमस ब्रांड ने पानी के अंदर गलती से या जान बूझ के वो तो प्रूफ नहीं हो पाया लेकिन पानी के अंदर पेस्ट इजेक्ट आउट कर दिए थे एक नदी के अंदर पांच हजार से ज्यादा तरह के जानवर मरे थे उसने कई साल केस चला किसी भी तरह का पोल्यूशन चाहे वो एक्वेटिक इकोसिस्टम में हो या एयर पोल्यूशन हो लैंड डिग्रेडेशन हो किसी भी तरह का पोल्यूशन इवन नॉइज पोल्यूशन इज क्वाइट हार्मफुल फॉर एनिमल वेरी हार्मफुल भी तरह का एनवायरमेंटल पोल्यूशन बहुत डेंजरस है एनिमल्स के लिए एंड देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एज डिफॉरेस्टेशन तो डिफॉरेस्टेशन क्या है यार सिंपली लॉस ऑफ हैबिटेट ही तो है लॉस ऑफ हैबिटेट जानवरों से उनका घर छीन रहे हो आज अगर आपके घर में घुस कर कोई आपका घर तोड़ने लगे सामान गिराने लगे घर ही गिरा दे तो आप सहन करेंगे आप उसकी छाती पर चढ़ जाएंगे छाती खोल देंगे उसका आप और हम लोग क्या कर रहे हैं जंगलों में घुस गए पेड़ काट दिए जंगल जला दिए काट दिए तो जानवर क्या करेंगे मरेंगे ठीक है ना डिफॉरस्टेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन बिहाइंड थ्रेट टू द वाइल्ड लाइफ और इन्हें कंजर्व करने के लिए बचाने के लिए सरकार ने कुछ प्रयास किए हैं जैसे कि 18 reserves, 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, बायोस्फीयर एटीन बायोस्फीयर रिजर्व इंक्लूडिंग सुंदरबन है ना इंक्लूडिंग मानस सिमलीपाल नीलगिरी गल्फ ऑफ मन्नार अठारह बायोस्फीयर रिजर्व खोले गए हैं अपार्ट फ्रॉम बायोस्फीयर रिजर्व सरकार ने नेशनल पार्क एक सौ तीन नेशनल पार्क फाइव थर्टी फाइव वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बर्ड सेंचुरीज जुलॉजिकल गार्डन बॉटनिकल गार्डन्स इस तरह के चीजों को एस्टैब्लिश किया है बॉटनिकल गार्डन्स को फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस दिया जा रहा है १९९२। इवन स्पेसिफिकली स्पीसी को टारगेट करने के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया गया जैसे वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्रोजेक्ट्स लॉन्च गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्रोजेक्ट टाइगर है ना इसके अलावा प्रोजेक्ट राइनो Project, Great Indian Bustard. Great Indian Bustard, ये एक का का नाम नाम है, है इसका हिंदी का नाम है गोडावन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज बर्ड है इसका हिंदी नाम है गोडावन. ये राजस्थान का स्टेट बर्ड है गोडावन स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान राजस्थान का राज्य पक्षी है स्टेट बर्ड है गोडावन ना ग्रेट इंडियन बस्टर्ड तो इस तरह के कुछ गवर्नमेंट ने उठाए हैं लेकिन लेकिन सर प्रैक्टिकल बात ये है कि कितनी भी योजनाएं चला लो कितनी भी पॉलिसीज़ बना लो जब तक आम जनता में अवेयरनेस नहीं होगी जब तक कॉमन मासेज में अवेयरनेस नहीं होगी अंटिल एनलेस पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट दट द नेचर इज एक्चुअली थ्रेट अ लॉट ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड स्पीसीज आर एक्चुअली एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन एक समय वो भी आ जाएगा जब बहुत सारे जानवर हम सिर्फ किताबों में देख पाएंगे या वीडियो में देख पाएंगे क्योंकि असल जिंदगी में तो खत्म हो जाएंगे तो ऐसी सिचुएशन में पहुंचने से पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कंजर्व दम उन्हें कंजर्व करना बहुत जरूरी है ये अवेयरनेस ये सेंसिटाइजेशन लोगों में होना चाहिए सेंसिटिविटी ये संवेदना लोगों में होनी चाहिए ये चेतना लोगों में होनी चाहिए हम इस इस धरती पे कोई हम मकान मालिक नहीं है वी आर नॉट द लैंड लॉर्ड ऑफ दिस प्लान वी आर मेरली टेनेंट्स दस बीस पचास सौ साल रहना है यार इस धरती तो और रहो और निकलो यहाँ से इट लॉस्ट ने अधिकार दिया हम लोगों को इतने पेड़ पौधे काटने का जानवर मारने का तो ये अवेयरनेस लोगों में पैदा होनी बहुत जरूरी वेरी इम्पॉर्टेंट टू एजुकेट द मासेज एंड टू स्प्रेड दिस अवेयरनेस अबाउट कंजर्विंग द नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ वो दिन दूर नहीं वेन देमस कोट मैंने पढ़ा था किसी के व्हाट्सएप स्टेटस पे द लास्ट लीव हैज फॉलन द लास्ट ट्री हेज बीन कट लास्ट फिश हैज कॉट मैन विल रियल नॉट ई ऐसा खा नहीं सकता गर्ल्स डैट वॉज ऑल अबाउट द सेशन फ्रॉम माई आज के लिए चैप्टर में और इस लेक्चर में बस इतना ही तो आई रियली होप दैट दिस वीडियो दिस लेक्चर वॉज क्वाइट हेल्पफुल टू यू आपको एग्जाम में रिविजन के लिए ये लेक्चर काफी हेल्प करेगा इट विल रियली कम इन हैंडी और रिविजन तो आप लोगों से मुलाकात होगी इन दी अपकमिंग लेक्चर और अ न्यू चैप्टर टू बी रिवाइज्ड टिल देन दिस वॉज शुभम गुप्ता साइनिंग ऑफ आई टेक अ लीव हैव अ ग्रेट टाइम बाय सी यू सून सायोनारा